हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो रिसेंटली कैरी मिनाटी ने एक नई वीडियो डाली है, मोटिवेशनल स्पीकर पैरोडी। आई मस्ट से जो करेक्टर उसने ग्रैब किए, जो एक्टिंग उसने किया, वो माइंड ब्लोइंग है। आसान 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 है 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 शायद लोग उसे इसीलिए बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एंड अगर हम टिकटॉक की बात करें तो इतना क्रिंज फैला हुआ था टिकटॉक पे, उस बंदे ने टिकटॉक को बैन करवाया था। ये उसका वन ऑफ द बेस्ट वर्क था, इसी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, बिकॉज वो चीज लोगों को पसंद आई, उसमें लोगों ने सपोर्ट किया था कैरी को। बट सोचो, अगर हम उसकी पॉपुलैरिटी को हटा दें तो वो एक्चुअल में बंदा क्या है? एक अनपढ़ जाहिल जो यूट्यूब पे बैठ के गालियां देता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और उसके जैसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो आज की डेट में भले ही फेमस ना हो, लेकिन कल को हो जाएंगे। बट द मैटर इज, आप सोसाइटी को मैसेज क्या दे रहे हैं? आपकी वीडियो देख के लोग सीख क्या रहे हैं? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। कुछ लोग फेमस होने के लिए, पैसों के लिए अपने कपड़े उतार रहे हैं। देखो, पैसे दोगे मैं कुछ भी करूंगी। मैं पैसे दोगे तो मैं उतार भी दूंगी और मैं पहन भी लूंगी। मैं तो बड़ी लालची हूँ। और तुम दूसरों के कपड़े उतार रहे हो, उनकी इमेज खराब कर रहे हो। जब मैं अरे मोटा चत, इस को निकालो यहाँ से। दोनों में कोई फर्क नहीं है, तुम दोनों एक ही जैसे हो। अपने फायदे के लिए सोसाइटी को गलत मैसेज प्रोवाइड कर रहे हो। एक तरफ अंकित बहनपुरी है, जिससे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे। राम राम भाई, सारा मैं आज मेरा 75 वर्ड का 53 मदी। चलो कुछ ना भी हो, लेकिन चैलेंज के बहाने ही सही, उनको फॉलो करने के बहाने ही सही, लोग अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं। बट लोग तुमसे क्या सीख रहे हैं? गालियां देना, बात तो सही है। और उस बंदे को तुम अपनी वीडियो में कैसे दिखा रहे हो? मैं जाबाड़कों को बेची कच्ची शराब, हंस देखण बैठा मैं गंदी पिक्चर। एंड सीरियसली, इट इज नॉट अ जोक। तुम किसी की इमेज को टारगेट कर रहे हो। एक कहावत होती है, गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर होता है। संदीप महेश्वरी बहुत सारे लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, एक अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं। आपको बताता हूँ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है एट अ साइकोलॉजिकल लेवल। जो मेडिकेशन के लेवल पे, वो एक डॉक्टर आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। लोग उनसे मिलते हैं, या तो कुछ अच्छी आदतें लेके जाएंगे, कुछ अच्छी सीख लेके जाएंगे, या फिर वो खाली आते थे खाली चले जाएंगे, लेकिन वो कुछ नेगेटिविटी लेके नहीं जाएंगे, जैसे कि तुम्हारी वीडियो से लेके जाते हैं लोग। वो कुछ गलत नहीं बोलते, गलत नहीं सिखाते। तुम अपनी वीडियो में उनको ऐसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हो? कभी किया है? कभी सोचा है? तुम्हें देख के साफ पता लगता है कि पैसे और पॉपुलैरिटी के अलावा एजुकेशन की कितनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये सब चीजें स्कूल कॉलेजेस में ही सिखाई जाती है कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। एक बात बता, अपने माँ बाप से भी ऐसी बात करता है क्या तू? क्योंकि ये सारे संस्कार तो तुझे वहीं से मिले हैं, उन्होंने ये सब चीजें सिखाई होगी ना। और तू तो ये भी नहीं कह सकता तूने स्कूल कॉलेजेस में जाके ये सब चीजें सीखी है ना? नहीं। बाद में तुम पैरोडी का मतलब समझा रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी को कोई फर्क पड़ता है तुमने थंबनेल के अंदर क्या लिखा है? तुमने जैसा वीडियो के अंदर शो किया है, जो करेक्टर शो किया है, लोगों के दिमाग में जो इंप्रेशन गए हैं वो यही है, एक मोटिवेशनल स्पीकर का मोटिवेशन डाउन कर दिया। वाह कैरी। और कुछ आधी बुद्धि के आदमी ऐसे भी बोल रहे हैं कि अपने पे आती है तो ऐसे ही होता है। आसान है? अरे बता दो यार, आसान है कि नहीं? खुद के ऊपर पैरोडी बनते देखना, जवाब तो दे दो। एक्चुअली रियलिटी यही है कि जब खुद पे आती है ना, तभी हमको पता चलता है कि वाकई में आसान है या नहीं। प्रणाम है भाई तुम जैसे लोगों को, और कैरी तुम्हें भी, जो लोगों की सोच इस तरीके से बदल रहा है। ग्रेट, तुम अच्छे इन्फ्लुएंसर हो। बट आई मस्ट से, यू शुड फील शेम। थैंक यू।